गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11th चैप्टर नंबर 7 कॉम्प्लेक्स नंबर का रिवीजन चल रहा है। एक्सरसाइज 7.1 का आ रहा है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स, इसमें फर्स्ट में कितने पार्ट दिए गए हैं, सारे पार्टों का एक ही तरीका है सॉल्व करने का। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर इन द फॉर्म ऑफ द x + iy। तो हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा उसको हमें कैसे बनाना है, x + iy की फॉर्म में बनाना है। कुछ बुक्स में इसको a प्लस आई बी की फॉर्म भी बोलते हैं। तो हमने इसको z मान लिया नंबर को, ऊपर दोनों ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करी, 1 से मल्टीप्लाई 1 की बना दी, 1 से मल्टीप्लाई आई की आई, माइनस 2i की मल्टीप्लाई 1 में माइनस के 2i, माइनस के 2i की मल्टीप्लाई i में माइनस के 2i स्क्वायर। जहां i स्क्वायर आएगा वहां माइनस का 1 रखेंगे, i स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 होती है। तो ये आ गई आपका 1 माइनस i प्लस के 2 हो जाएगा, 2 और 1 3, 3 माइनस i बटे 1 प्लस 3i इज इक्वल टू, ऊपर नीचे अपोजिट साइंस है, कंजुगेट से ऊपर नीचे नीचे वाले के मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करके 1 की मल्टीप्लाई 3 माइनस i बन रही, 3i की मल्टीप्लाई इन दोनों में, और नीचे a की 2 माइनस b की 2 का फार्मूला लग गया। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ i स्क्वायर की जगह माइनस हाफ 1 रखते हैं, तो 3 ये हो गया माइनस के 10i, ये माइनस का 3, माइनस के 3 से प्लस का 3 कैंसिल हो गया, 0 माइनस 10i ऊपर आ गया, नीचे आ गया, i स्क्वायर की जगह माइनस 1 रखेंगे तो प्लस का 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का i इसका आंसर आ गया। z को 0 माइनस i लिख सकते हैं, x प्लस iy की फॉर्म में 0 प्लस i माइनस 1 भी लिख सकते हैं। hence z the following, z in the form of x plus iy, z जो हमने नंबर मार के चले थे, जो हमें गिवन नंबर था, वो x plus iy की फॉर्म में आ गया, where x is equal to 0 and y is equal to minus 1, ये कंपैरिजन करके पता लग जाएगा। तो दैट्स ऑल, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके सभी पार्ट x plus iy फॉर्म के बिल्कुल ऐसे ही होने हैं, इसके सभी पार्ट करिए। कुछ कुछ बुक में a plus iy फॉर्म भी बोलते हैं इसको, इसको सॉल्व करिए, सारा टॉपिक आपको बिल्कुल बताया जाएगा। थैंक यू।